हेलो एंड वेलकम ऑल, माई सेल्फ नीतू गुप्ता फ्रॉम NLS बैंगलोर. इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेक अप करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020. सो इन द लास्ट सेशन आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट. लेट अस कंटिन्यू विद दैट. सो इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे ओपन हुआ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश. और इनका काम क्या था? सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हाउस होल्ड कमर्शियल यूनिट से. और ये जो ई वेस्ट क्लिनिक है ये किसने सेटअप किया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सो जो क्लिनिक है दैट इज़ बीइंग स्टार्टेड बेस्ड ऑन अ 3-month पायलट प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है कि जो हिमाचल प्रदेश है ये 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत इंथुसियाज़म से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. पूरी स्टेट में उन्होंने सेलिब्रेट किया है और 25th जनवरी को सेलिब्रेट किया है. 25th जनवरी वॉज दिस डे इन 1971 जब हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट फॉर्म हुई थी कंट्री की. सो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गोल्डन जुबली प्लेक अनवील किया था. और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर. इज इट क्लियर? सो 50th स्टेटहुड डे ऑन 25th जनवरी कौन सी स्टेट का? हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग 2-day इनोवेशन फेस्टिवल जो कि साइंस सेंटर इतना नगर में ओपन हुआ है. सो अरुणाचल प्रदेश में 2-day इनोवेशन फेस्टिवल किक्ड ऑफ हुआ है. कहाँ पे? साइंस सेंटर इन इतना नगर. और ये जो 2-day इनोवेशन फेस्टिवल है दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन. और इनका एम क्या है? टू फोस्टर द कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग द पीपल. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है दे हैव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या मैंडेटरी कर दिया है स्कूल्स में? क्या कंपलसरी किया है? प्रीएम्बल रीड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑन एवरी सैटरडे. सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिन्होंने प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको उसकी रीडिंग कंपलसरी की है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि प्रीएम्बल रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है स्कूल्स में ऑन एवरी सैटरडे. सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन स्टार्टेड दैट ऑर्डर इन दिस रिगार्ड हैव बीन इशू टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. एंड मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो कमलनाथ हैं. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि फर्स्ट एवर कार्निवल ऑफ पीस एंड हारमोनी दैट इज हारमोनी हेल्ड इन शिलोंग. इज इट क्लियर? सो शिलोंग में हैज़ विटनेस फर्स्ट एवर कार्निवल ऑफ पीस एंड हारमोनी एज अ पार्ट ऑफ वीक लॉन्ग मेघालय डे सेलिब्रेशन. सो कार्निवल प्रोसेशन है, प्रोसेशन दैट इज़ पास थ्रू द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ शिलोंग सिटी वे शो केजिंग डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज ऑफ द स्टेट एंड नेबरिंग एरियाज. सो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड के संगमा. नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद में आ रहे हैं. वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट दैट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28. सो टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काना शांति वनम स्प्रेड ओवर 30 acres विल बी डेडिकेटेड टू लालाजी. और ये इसमें 1 lakh एकोमोडेट प्रैक्टिशनर्स एकोमोडेट किए जाते हैं. कितने प्रैक्टिशनर्स एक टाइम पे? 1 lakh प्रैक्टिशनर्स. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि गंगा यात्रा अंडर नमामि गंगे मिशन कहाँ से स्टार्ट होगा? बिजनौर से एंड बालिया इन यूपी. ये 5-day गंगा यात्रा है अंडर नमामि गंगे मिशन जो कि किक ऑफ होगा 27 जनवरी को फ्रॉम बिजनौर एंड बालिया उत्तर प्रदेश में. और इस यात्रा का एम क्या है? टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड टू मेक द विलेजेस सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा मोर डेवलप्ड एंड प्रॉस्पोरस. और बिजनौर एक प्लेस है जहाँ गंगा एंटर्स उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट सुपर फैब लैब इन कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? केरला में. इज इट क्लियर?
इंडिया की पहली सुपर फैब लैब केरला में इनॉग्रेट हुई है, जहां पे कि एक मेजर पुश दिया गया है हार्डवेयर इंडस्ट्री को इन द कंट्री, और ओनली सच फैसिलिटी आउटसाइड यूएस वॉज लॉन्च्ड एट इटना इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स ऑफ केरला स्टार्टअप मिशन। सो केरला के प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई राय विजय। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं मध्य प्रदेश में, दे हैव टू एम्प्लॉय 70% ऑफ लोकल यूथ गवर्नर। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। उन्होंने क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जॉब्स एक्सेलरेट कर रही है। किस तरह से वो जॉब्स प्रोवाइड कर रही है? बाय सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, और जहाँ पे कि कंपलसरी 70% लोकल यूथ को एम्प्लॉय किया जाएगा, एंड स्टेट हैज़ ब्रॉट द नंबर ऑफ परमिशंस रिक्वायर्ड इन रियल्टी सेक्टर फ्रॉम 27 to 5। सो द डेली फोडर अलाउंस पर काउ विल बी हाइक्ड फ्रॉम ₹3 to ₹20। नेक्स्ट क्या है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने क्या लॉन्च किया है? बहुत टाइम से जो चाह रहे थे वो लॉन्च करना, क्या? शिव भोजन स्कीम। इनके शिव भोजन स्कीम का एम क्या है कि जो पुअर पीपल हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है, मील प्रोवाइड करना है ₹4। सो और ये उन्होंने स्कीम कब स्टार्ट की थी, कब लॉन्च की थी? ऑन 71st रिपब्लिक डे। जो लंच प्लेट्स थी वो लोगों को दी जा रही थी डेजिग्नेटेड सेंटर्स में ड्यूरिंग अ स्टिफुलेटेड टाइम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। सो ये जो शिव भोजन थाली कैंटीन है दैट वाज लॉन्च्ड इन मुंबई। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? फॉर एफिशिएंट ई प्रोक्योरमेंट ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इज इट क्लियर? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, किसकी? मिनिस्ट्री के अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टू सेट अप गवर्नमेंट ई मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपोर्ट टीम और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। यूपी का लिटरेसी रेट क्या है? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 67.68%। नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है वो कब बिगिन होगा? मार्च 2022 इन कोलकाता। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो उनका ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट है कब कंप्लीट होगा, विच रन्स पार्टली अंडर द हुगली रिवर बाय मार्च 2022। इज इट क्लियर? सो अ सॉफ्ट लोन ऑफ ₹41.6 billion फ्रॉम जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी हेल्प्स फंड 48.5% ऑफ द प्रोजेक्ट। सो न्यू लाइन इज एक्सपेक्टेड टू कैरी अबाउट 9 lakh पीपल डेली। नेक्स्ट सेंटर और असम गवर्नमेंट है टू प्रोवाइड 1500 crore असिस्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोडो कम्युनिटी। तो सेंटर ने क्या साइन किया है? अकॉर्ड विद द असम बेस्ड डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स और सिविल सोसाइटीज, जिसमें कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है बोडोलैंड, टू प्रोवाइड 1500 crore असिस्टेंस। सो अकॉर्ड विल प्रोवाइड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लैंड राइट्स टू द बोडो ट्राइबल, और ये लोगों के इट विल हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द बोडो कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या है कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट है, उन्होंने क्या नोट किया? टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनके गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वो रेजोल्यूशन क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया जाए, एंड इट कम्स आफ्टर द अपर हाउस स्टॉल्ड क्रिटिकल रेजोल्यूशन ऑन शिफ्टिंग द कैपिटल सिटी फ्रॉम अमरावती थ्रू 3 capital city प्लान्स। आंध्र प्रदेश क्या है? एक आंध्र प्रदेश इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स हु हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो ओडिशा है, ओडिशा ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है, जहाँ भी कि पीपल अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में बैठे बैठे। जैसे कि किसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं कि उनके व्हीकल्स चोरी हो गए हैं, उनको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है।
वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा ने लॉन्च किए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने, वहाँ पे लोगों के अगर कोई व्हीकल स्टोरी हो गया अपने ही डिस्ट्रिक्ट में बैठे वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन. सो इट विल फंक्शन फ्रॉम स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन भुवनेश्वर, और जो रोड एक्सीडेंट केस डॉक्यूमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो महाराष्ट्र सीएम इनॉग्रेट्स 18.5 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन. तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने 18.5 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन ऑफ महा मेट्रो रेल नेटवर्क इनॉग्रेट किया है. जो ये न्यूली क्रिएटेड नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, अमजारी लेक इन सिटी विल कनेक्ट द ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ द सिटी. नागपुर मेट्रो टेक 65% ऑफ इट्स पावर नीड्स फ्रॉम सोलर एनर्जी. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दैट इज लास्ट रिगार्डिंग द स्टेट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है इन्होंने फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनॉग्रेट किया है. जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 ई प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एट जम्मू. ये जो कॉन्फ्रेंस था दैट वॉज टू टेक फॉरवर्ड द कमिटमेंट टू अप्लाई ऑल द सेंट्रल लॉज टू द यूटी ऑफ जम्मू. और इन्होंने चार्ज किसका लिया, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो गाइज दिस वॉज रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ द स्टेट. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग द कैटेगरी स्पोर्ट्स. थैंक यू.